नमस्कार, आप देख रहे हैं अन्वेषक न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, यहाँ पे बिग ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हम शुरू करते हैं आज का खास समाचार। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज की इस खास खबर की ओर। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हुआ स्कूल चलो अभियान का सफल आगाज। शिक्षा मंत्री ने कहा ये कार्यक्रम 4 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक चलेगा। आगे समाचार है, आजकल हो रहा है 40 डिग्री से ज़्यादा ही तापमान। टाइम एंड मोशन के तहत स्कूलों का समय 8 से 12 या 7 से 11 होना चाहिए। जूनियर हाई शिक्षक बच्चों ने किया TM सभागार में अद्भुत प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। स्कूल चलो अभियान का आगाज़ श्रावस्ती से हुआ है और मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया गया। स्कूल चलो अभियान 4 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा, ये शिक्षा मंत्री ने कहा। आप देख सकते हो यहाँ पर रंगोली बनाकर बेहतरीन तरीके से जनपद में शुरुआत की गई है स्कूल चलो अभियान की। इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री एवं सचिव और शिक्षा मंत्री के साथ अन्य सभी बड़े लीडर्स उपस्थित रहे। 2024 के चुनाव से पहले अखिलेश यादव से बड़ा मुद्दा छीनेंगे सीएम योगी। 100 दिन में 50,000 रोजगार का प्लान, 20,000 सरकारी नौकरियां देंगे। 5 अप्रैल का ये समाचार है, बेसिक शिक्षा न्यूज़ के माध्यम से लिया गया है। बताना चाहेंगे, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि स्वरोजगार की तमाम योजनाएँ एवं योजनाओं का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार होना चाहिए और युवाओं में इसके लिए जागरूकता पैदा की जाए। इस संबंध में जल्दी ही लोन मेला आयोजित किया जाएगा जिसमें युवाओं को स्वरोजगार की विभिन्न योजनाओं के तहत बैंकों से ऋण दिलवाने में मदद की जाएगी। ये जानकारी मुख्यमंत्री जी ने दी। स्वरोजगार के साथ साथ सरकार ने 100 दिन में 20,000 नौकरी देने का फैसला किया है। भर्तियों में ईमानदारी और शुचिता को प्राथमिकता पर रखने का निर्देश दिया है। युवाओं को रोजगार मिल सके इसके लिए जिला और मंडल स्तर पर स्टार्टअप्स को खोलने के लिए भी कहा। गौरतलब है कि पिछले कार्यकाल में योगी सरकार ने 2.5 करोड़ रोजगार और 5 लाख नौकरियां दी थीं, ऐसा समाचार आ रहा है। इसी सप्ताह शासन से सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कार्यरत शिक्षा मित्रों की मार्च महीने की ग्रांट भी जारी हो सकती है। अब यहाँ पर बड़ा समाचार ये है, DM सभागार फतेहपुर में अमृत महोत्सव के आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर गूंजे भारत माँ के जयकारे। अनुदेशक महेंद्र सिंह ने ये ट्वीट करके रिपोर्ट दिया है। सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से उच्च प्राथमिक विद्यालय कुंभीपुर विकासखंड हथगांव जनपद फतेहपुर के बच्चों ने DM सभागार में DM के समक्ष प्रस्तुति दी। चलिए देखते हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये खास प्रस्तुति। देखा साथियों, यहाँ पर बच्चों ने अद्भुत प्रस्तुति दी है, जूनियर हाई स्कूल के बच्चों ने। अब यहाँ पर एक बड़ा समाचार, विश्व स्तर का समाचार हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे। युद्ध हो या आपदा, बच्चे ही
इनके सबसे प्रमुख शिकार होते हैं। युद्ध ने यूक्रेन के बच्चों की मन स्थिति पर क्या असर डाला है, यह उनकी कलाकृतियों में पता चलता है। बंकरों में जान बचाकर छिपे इन बच्चों ने सैनिकों, टैंकों और लाखों विमानों के चित्र बनाए। तो एक बच्चे ने टैंक तैयार किया है, जंग से त्रस्त एक मासूम ने कबूतर का चित्र बनाकर जल्द अमन की कामना की। ये आप देख रहे हैं कि विपरीत परिस्थितियों में ये नादान बच्चे कितनी हिम्मत रखते हुए विश्व को संदेश दे रहे हैं। तो हम तो बड़े इंसान हैं, हमको भी विपरीत परिस्थितियों में हमेशा हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोविड नियमों का पालन कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।